भारत, ये एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अन्य सभी चीजों से ज्यादा उत्पादन खेती से होता है। पहले भारत में पारंपरिक तरीके से खेती की जाती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। भारत के किसान अब आधुनिक तकनीक से खेती करने लगे हैं और इसमें किसान भाइयों ने सफलता भी पाई है। अच्छी और किफायती फसलों की पैदावार के लिए जमीन को उपजाऊ बनाए रखना बहुत जरूरी है। फसलों की पैदावार के लिए 16 अलग तरीके के तत्वों की जरूरत पड़ती है। इसमें से नाइट्रोजन, फॉस्फेट और फॉस्फोरस, ये ऐसे तत्व हैं जिनकी जरूरत ज्यादा होती है। केमिकल खाद के द्वारा इन्हें पूरा किया जाता है, इसलिए ये खाद सही मात्रा में फसलों को देना जरूरी है। अगर इनकी मात्रा कम हो जाए तो इसका परिणाम फसलों पर पड़ता है, और अगर इनकी मात्रा ज्यादा हुई तो इसका परिणाम जमीन पर पड़ता है। मालिक सुनिए। क्या हो गया? राम 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 राम। बोलो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? नमस्कार पाटिल। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा बताओ? हमें बहुत फिकर हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ मालिक। मालिक, नुकसान भी हम कितना सह सकते हैं, कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे ये सब क्या बात कर रहे हो तुम लोग, हुआ क्या ये तो बताओ। मालिक सच बताओ क्या, अब खेती बाड़ी में कुछ भी नहीं बचा। ऐसे क्या बात कर रहे हो साहब, मैं हूँ ना तुम लोगों के साथ, फिकर करने की कोई बात नहीं है। पाटिल, अगर फसल अच्छी हुई तो पैसे भी हम सबको अच्छे मिलेंगे ना। अरे तुम सब पागल वगैरह हो गए हो क्या है? अरे 5 पीढ़ियों से हम लोग यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं, है? तभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर तुम लोगों ने अपना मन बना ही लिया है ना, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो आकर, है? तुम लोगों को जो कुछ भी करना है जाकर करो, जाओ। मालिक, ऐसी फसल उगाए जिसमें ज्यादा फायदा हो तो नहीं चलेगा? अभी तो मैंने बताया ना, तुम लोगों को जो करना है वो करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पाटिल, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हमने आपको ऐसे ही पूछ लिया। हाँ, ऐसी बात है तो ठीक है। क्यों? ये देखो, तुम बिल्कुल भी फिकर मत करो, मैं हूं ना साथ। अब जाओ, अपने अपने काम पर लग जाओ, ठीक है? चलो चलते हैं। आता हूं मालिक। अरे प्रकाश, रुको जरा। अरे सुन रही हो क्या, हमारे लिए चाय लेकर आओ। और हाँ, बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी, आप चाय पियेंगे? नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए आइए। पिताजी, आप कुछ कहना चाहते थे ना? अरे हाँ, बात करनी थी जरा। देखो प्रकाश, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लो चाय पियो। लो बेटा। हाँ, दरअसल बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में कोई नौकरी कर ले, ठीक है? पिताजी, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, मतलब मुझे ही नहीं पता है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। अरे ऐसे बोलने से थोड़ी चलता है, हैं? अभी इतनी बड़ी जमीन संभालना
मतलब कोई खाने का खेल है क्या? मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। मतलब मेरी बात मानो और कोई नौकरी कर लो। हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अरे बेटा, अपने पिताजी की बात क्यों नहीं मान लेते? खेती बाड़ी में अब कुछ नहीं रहा, मुझे तो आगे क्या होने वाला है इसकी चिंता लगी रहती है। पिताजी और माँ, मैं कुछ और ही सोच रहा था। हाँ? अगर एक बार मैं नौकरी के लिए शहर चला गया तो मेरे पीछे ये सब संभालेगा कौन? और हमारी ये पुरखों की 100 एकड़ जमीन क्या ऐसे ही गवा दें? अरे वाह मेरे शेर, अब कहीं जाके तू मेरा पोता लग रहा है। हाँ। अरे ये अपनी 100 एकड़ जमीन अपनी माँ है, क्या इसे ऐसे ही छोड़ दें? हाँ? गजानन कुछ भी बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जाओ। अरे बाबूजी, तब की बात अलग थी, अब वैसा नहीं है। आजकल तो नुकसान ही ज्यादातर होता है, मुनाफा तो कभी कभी होता है। मेरा प्रकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है, समझ गए? उसको खेती की पढ़ाई करने दो, अगर इसने ये पढ़ाई पूरी कर ली तभी तो इतनी बड़ी जमीन संभाल पाएगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ दादाजी, मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके खेती करना चाहता हूँ। अपनी जमीन पर हम खुद खेती करेंगे, बिल्कुल पारंपरिक और नई तकनीक से। बेटा प्रकाश, मैं क्या कह रहा हूँ, ये खेती का जुनून अपने दिमाग से निकाल दो, कोई नौकरी कर लो, और अगर तुम्हारे पास 4 पैसे घर में आएंगे तो मदद भी हो जाएगी ना, क्यों? अरे गजानन, अरे लोगों के बच्चे खेती नहीं करते इसीलिए उनके घर वाले रोते हैं, और तेरा बच्चा खेती बाड़ी करना चाह रहा है और तू उसे बाहर काम करने के लिए बोल रहा है? हाँ? अरे क्या गजानन, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अरे तुम्हारी मति मारी गई है क्या? एक बात बताओ, नुकसान तो सभी को होता है ना? एक साल अगर अच्छी फसल नहीं हुई और अगर एक साल में ही मेरी नौकरी चली गई तो क्या करेंगे? शाबाश शाबाश, देखो कितना समझदार हो गया है ये। हाँ। और वैसे भी खेती से जो भी फायदा होगा ना, उसके हकदार हम खुद ही होंगे, नौकरी में ऐसा नहीं होता। हाँ। है गजानन, लड़का बहुत आगे जाएगा, इसे अपनी खेती की पढ़ाई पूरी करने दो, क्यों? अब बाबूजी की बात भला कौन टाल सकता है? सही कहा। हम बड़ों की बात कैसे टालेंगे भला? हाँ। ठीक है प्रकाश, जो करना है वो करो, शहर जाओ और खेती की आधुनिक तकनीक सीखो, कर दे खेत हरे भरे, क्या कहती हो? हाँ। पिताजी मुझ पर भरोसा करो, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगा। हाँ बेटा, हमें तुम पर भरोसा है। बाबूजी, आपका हुक्म सर आंखों पर। बादल छाए हैं पंछी चहकाए, बादल छाए हैं पंछी चहकाए, मन झूम उठा है, मेहनत करे धूप छाँव सहे, मेहनत करे हम धूप छाँव सहे, मिलजुल के खेतों में काम करे हम, मिलजुल के खेतों में काम करे हम, पारंपरिक मंत्रों से आधुनिक यंत्रों से, पारंपरिक मंत्रों से आधुनिक यंत्रों से, चलो करें खेती मिलके, मन झूम उठा है। जी ये देखिए। अरे वाह 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 वाह, हरे भरे खेत, पूरे खेत को हरा भरा कर दिया आपके पोते ने। हाँ। अरे प्रकाश, कहाँ गए थे? सुजला लाने बाजार गया था।
अरे तुम्हारे इस सुजला ने तो कमाल ही कर दिया, मानो जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। और हाँ, अरे जो तू कहता है ना वो तू करके ही दिखाता है बेटा। ये बात तो बिल्कुल सही है। पिताजी, दादाजी, ये सब आपकी वजह से ही तो मुमकिन हुआ है। मालिक देखिए खेती कैसी हरी भरी हो गई है, देखिए ना सारे किसान कितने खुश हैं। पर मालिक ये जादू हुआ कैसे? अच्छी बात है। दरअसल बात ये है कि मेरे कहने से अच्छा प्रकाश ही तुम सबको अच्छे से समझाएगा। ठीक है बेटा, जरा इन सबको बताओ। ये सब मुमकिन हुआ है RCF के सुजला की वजह से। ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और टपक सिंचाई की मदद से ये पेड़ों की जड़ों तक पहुँच जाता है और इसी वजह से फसलों को पोषक द्वारा मिलता है और हमारे खेत इतने हरे भरे हो जाते हैं। कम खर्चा और फायदा ज्यादा। और लक्ष्मी घर में क्यों? हाँ। ना? चलो हम भी RCF का सुजला लेकर आते हैं। चलो 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 चलो। कैसा लगा? बेटा बड़ा हो गया, कमाल कर दिया। हाँ, सच में कमाल कर दिया। सुजला 1919-19, ये NPK खाद है। सुजला 1919-19, ये 1 किलो और 25 किलो के पैक में उपलब्ध है। 1 किलो के पैक से आप पेड़ों पर फव्वारे से छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम पानी में भी पूरी तरह घुल जाता है। और 25 किलो से आप ड्रिप इरिगेशन से सीधे जड़ों तक इसे पहुंचा सकते हैं। सुजला 1919-19, इस खाद में नाइट्रोजन 19%, फॉस्फेट 19% और फॉस्फोरस 19% और फसल के लिए आवश्यक बाकी तत्व सही मात्रा में हैं। मुख से हरिनाम भाई लेते रहो, मुख से हरिनाम भाई लेते रहो। उपदाम मिलेगा मेहनत करो, उपदाम मिलेगा मेहनत करो। RCF ने किया है आशा काम, सुजला का मिला है हो हमको तो वरदान। सुजला का मिला है हो हमको तो वरदान, हमको तो वरदान। आइए भाऊजी। हाँ ये ले मिठाई। हाँ सुनो माध्या। नमस्कार मालिक। अरे ये ले पेड़ा। ये पेड़ा किस खुशी में? अरे मेरा पोता परीक्षा में पास हो गया। बधाई हो, बधाई हो। अरे आओ सब लोग आओ, पेड़ा खाओ। उसके अब 2 के 4 हाथ हो जाएं। भाऊजी इधर आइए, इधर आइए। हाँ हाँ आप भी ले लो। पिताजी। हाँ प्रकाश तुम भी ले लो। बेटा देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा तुम्हारे 2 के 4 हाथ करवा दो। इतनी जल्दी भी क्या है, दिल्ली अभी दूर है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। क्या मतलब? हा? मतलब जो भी मैं सीख कर आया हूँ उसे पूरा तो कर लूँ। मतलब अभी और कितना सीखना बाकी है? हाँ, RCF प्रशिक्षण केंद्र में जाकर आधुनिक खेती की जानकारी हासिल करता हूँ, अपने खेत को सुजलम सुफलाम बनाऊंगा और फिर शादी के बारे में सोचूंगा। अरे वाह। अरे अब लो, ऐसा है कि तुम ये कह रहे हो तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा ना। अरे भाई बड़ा साहब हो गया तू। क्यों मजाक उड़ा रहे हो? बोलता रहे, अब ये जैसा कहता है आप लोग वैसा ही करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। पहले काम खेती का और उसके बाद मेरे पोते का। सही का। बिल्कुल सही का। ये लो मुंह मीठा करो, पेड़ा खाओ। ले ले, ये ले बेटा मेरे हाथ से भी खा। सुजला 1919-19, ये हमारे भारत का ही उत्पादन है। ये पानी में पूरी तरह घुल जाता है, यही बात इसे खास बनाती है। इसकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है और यह फसलों की जड़ों तक कम पानी में पहुंच जाता है।
इसकी वजह से फसल अधिक बेहतर होती है। इसमें नमक ना होने की वजह से टिम्बक या फवारों से फसलों पर इसे छिड़कते समय यंत्रों के छिद्रों में ब्लॉकेजेस होने का खतरा नहीं रहता। इस खाद को अच्छी तरह से तैयार करने की वजह से इसे आप अपने घरों में अधिक समय तक रख सकते हैं और इसके एक बार इस्तेमाल करने पर भी दूसरी बार ये उतना ही प्रभावशाली होता है। दूसरी बार भी ये कम पानी में पूरी तरह घुल जाता है। इस खाद की कार्य क्षमता अधिक होने की वजह से फसलें तेजी से बढ़ती हैं। सुजला 19-19-19 और उसी के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट्स के विषय में भी RCF में बिना मूल्य के प्रशिक्षण दिया जाता है। फसलें लहराए, हरियाली आए, ताशा गूंज उठा है, ढोल बजने लगा है, मन झूम उठा है। गांव वालों को मेरा नमस्कार। आज हमारी खेती कैसी हरी भरी हो गई है। हमारा प्रकाश शहर जाकर खेती की पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गांव आया है। उसी की वजह से यह सब मुमकिन हुआ है। इसी वजह से हम सब गांव वालों की अनुमति से अपने प्रकाश का सम्मान हो, ऐसा मेरा मानना है। पर उसके पहले शहर में जाकर भी प्रकाश, तुमने गांव में क्रांति कैसे लाई, इसके बारे में हमें कुछ तो बताओ। नमस्कार, आप सबने मुझे सम्मान के लायक समझा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया है। अपने गांव में साल दर साल अपनी परंपरा अनुसार हम खेती करते आ रहे हैं। मैंने तो बस नई तकनीक और जो कुछ सीखा है उसे तोड़ मरोड़ के थोड़ी सी प्रगति कर ली है। बस मुझे अपने गांव वालों से और अपने दोस्तों से बस एक ही बात कहनी है कि आप लोग नौकरी के लिए, धंधा करने के लिए गांव से बाहर जाते हो, उससे अच्छा हमें अपने बड़े बुजुर्गों से पारंपरिक खेती के तरीकों को सीखना चाहिए और फिर उसमें कुछ नई तकनीकों का समावेश करके और कड़ी मेहनत करके हम और भी प्रगति कर सकते हैं। देखिए, मैं खेती में जो भी क्रांति ला पाया हूं वो सिर्फ मेरे दादाजी की वजह से और RCF की वजह से है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि मेरा सम्मान ना करते हुए मेरे दादाजी का सम्मान किया जाए। हमें प्रकाश से सीखना चाहिए। देखो, प्रकाश ने कैसे गांव वालों को फिर से जिंदा कर दिया, गांव को हरा भरा कर दिया। ये प्रकाश का बड़प्पन है। आइए आइए पटेल साहब। चलो करें खेती मिलके। मन झूम उठा है।